आयशा, आपके आपने पहले भी शो डांस में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की थी, तब आपका नहीं हो पाया था। ऐसे और भी लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, अब आप इस मुकाम पे हो तो? बस यही कहना चाहेंगे, मुझे पता है मेरा लाइफ, हम जब बचपन में थे, जब घर से भी कोलकाता गए थे 12th में, तो डांस के लिए ही पहले निकले थे और एक डांस का सपना लेके निकले थे और आज एक डांस रियलिटी शो की विनर बन चुके हैं, जिसके लिए हम बीच में डांस इंडिया, डांस इंडियाज गॉट टैलेंट, बहुत सारे ऐसे डांस रियलिटी शो है जिसमें हम पहले ऑडिशन देते थे जब हम नॉर्मल लड़की थे, और वैसे ही 12-12, 10-10 घंटे वहाँ भी लाइन लगते हैं ना, लोग 2 दिन पहले से लाइन लगना स्टार्ट हो जाता है, फिर आप कितनी बार आउट हुए, नहीं सेलेक्ट हुए, लेकिन एक होता ना, बस एक ही चीज़ है कि अगर आप कोई भी चीज़ कंटिन्यू करते रहोगे तो आपका हार नहीं हो सकता, भले ही वो 2015 था, आज 8-9 साल के बाद जिस किसी डांस शो में हम रिजेक्ट हुए थे, आज किसी डांस शो की विनर बन गए हैं, इसीलिए क्योंकि हम उस चीज़ को छोड़े नहीं, दिल में एक था कॉन्फिडेंस कि भले ही ये इम्पॉसिबल है लेकिन एक दिन तो होगा ही होगा। तो आई थिंक अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो किसी भी चीज़ का, तो वो भले ही लेट से हो लेकिन होता है। चेंजेस तो बहुत ज़्यादा भाव मिल रहा है मेरे को जहाँ भी जा रहा है सबसे पहली बात, और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अभी ऐसा एक टाइम था ना कि जब आप नॉर्मल हो तो कहीं भी जाते हो कोई चीज़ का दाम कम नहीं होता है, और अब कहीं भी जाओ तो कोई पैसा ही नहीं लेता है। तो मेरे को ये लॉजिक भी समझ में नहीं आता है कि पहले जहाँ से अगर कुछ हम ड्रेस भी ले रहे हैं इतना पैसा देना पड़ेगा, और अब बोलते हैं मैम पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं, आप ऐसे ले जाइए, अरे अब पैसा है तो पैसा लो ना भैया, पैसे ही नहीं लेंगे बोलो, तो वो वाला सीन है कि बहुत अच्छा लगता है। बट हम ना लाइफ में हम वो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं कि कोई वो सेलिब्रिटी, मतलब अगर हम सेलिब्रिटी भी बन गए लेकिन हम एकदम नॉर्मल लोगों की तरह रहना चाहते हैं। मेरे को याद है एक बार हम गोवा गए थे और मेरे को एक क्लब में इनविटेशन था प्रमोशन का, तो उसमें ना मेरे को एकदम VIP टेबल दे दिया, 4-5 बॉडीगार्ड दे दिए, और हम साइड में थे और बाकी सारे क्राउड ऐसे उधर डांस कर रहे हैं, और हम बॉडीगार्ड को देख के इतना गाली दे रहे हैं अंदर अंदर कि यार हमको भीड़ में नाचना, मेरे को यहाँ क्यों बैठा दियो यार, कि मेरे को वो वाला लाइफ जीना है जो सब आम लोग जैसे जीते हैं, क्योंकि हम लाइफ में भी हमेशा रहे हैं कि हम रोड पे डांस कर लेते हैं, हम किसी के साथ भी घुस के ऐसे इंजॉय कर लेते हैं, तो मेरे को वो लाइफ ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी सेलिब्रिटी वाला फील कि किसी के साथ ज़्यादा मत बोलो ऐसे नहीं, तो मेरे को लगता है ये लाइफ मेरे से नहीं हो पाएगा। और ये भी प्रॉब्लम है ना कि जब आप सेलिब्रिटी हो के ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जीते हो तो लोग ये भी बोलते हैं इसको तो कोई पूछ नहीं रहा है, और जो लोग ज़्यादा अगर भाव नहीं देते तो बोले लड़की में एटीट्यूड आ गया, भाई करे तो करे क्या। तो मेरा यही मानना है कि हम चाहते हैं कि हम वो सेलिब्रिटी बने जो सेलिब्रिटी है लेकिन वो सबके साथ नॉर्मल रहती है, वो करती है जो उसका दिल कहता है, तो हम वैसे ही जीना चाहते हैं अपना लाइफ। कार तो रिसेंट खरीद ली है, घर एक्चुअली हम मुंबई में नहीं खरीदे हैं, मैंने बिहार में एक प्रॉपर्टी लिया है जो अभी हम जाने वाले हैं 1 हफ्ते बाद उसका रजिस्ट्री करने के लिए, क्योंकि मुंबई का जो मेरा एक ड्रीम हाउस है वो ये है, मैं बताती हूँ, CCD के पास कौन सा घर है, कौन सा घर है जो हम बोलते हैं CCD के पास, अरे जिसमें कपिल शर्मा रहते हैं, अरे मीरा टावर ने वो CCD के ऊपर है जो बहुत बड़ा घर है, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है मेरे को, वो है कोई घर बहुत बड़ा है सोसाइटी, उसी में लेते हैं। हाँ नहीं यार पता लगा हाँ। तो वो हाँ वही वही कौन सा हाँ तो वो बिल्डिंग पहले, क्योंकि हमको पता है सबसे हम मुंबई में लास्ट में ही रहते थे 1BHK में, तो हम जब भी उधर से क्रॉस करते तो वो बिल्डिंग में को इतना अच्छा लगता, हम लोग इसी में घर लेंगे मुंबई में जब लेंगे, लेकिन उसका प्राइस मनी बहुत ज़्यादा है, 12-15 करोड़ है, तो हम बोले चलो तब तक बिहार में प्रॉपर्टी ले लेते हैं उसको, फिर 1-2 साल में जब और पैसे हो जाएंगे तो मुंबई में घर लेंगे। अरे झलक ही जीते हैं, किसी को लूटे नहीं तो जितना लोग कमाता है इतना खर्चा भी होता है, वो लोग आप लोगों को पता होगा, बट कोई नहीं, हम अभी भी जिस घर में हैं बहुत अच्छा घर है, बहुत सुंदर है, हम बहुत खुश है उसमें भी, बस एक होता ना लोगों का जब लेंगे, अब बिहार में ले लिए प्रॉपर्टी तो अब मुंबई में जब भी लेंगे तो वही घर लेंगे, तो जब भी लें 1-2 साल में। हाँ